198 अध्याय मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में अभ्यंग मतलब मालिश और उबटन का त्याग करे उससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुरुष पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में नियमपूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णुलोक को जाता है। माघ अथवा चैत्रमास की तृतीया को गुड़ धेनु का दान दे इसे गुड़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासों में नक्त व्रत मतलब रात्रि में एक बार भोजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी प्रकार पृथक का रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चातुर्मास में फलों का त्याग करके उनका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखे। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाले कर का संक्रांति में श्रीहरि का पूजन करें और कहे, भगवान मैंने आपके सन्मुख ये व्रत ग्रहण किया है, केशव आपकी प्रसन्नता से इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवादिदेव जनार्दन यदि इस व्रत के ग्रहण के अनंतर इसकी अपूर्णता में ही मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से ये व्रत संपूर्ण हो। व्रत करने वाला दिविज मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं को और तेल का त्याग करके श्रीहरि का यजन करे। एक दिन के अंतर से उपवास रखकर त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णुलोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला विष्णुलोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्राजापत्य व्रत करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके दुग्ध आदि का आहार करके अथवा पंचगव्य एवं जल पीकर कुछ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। साक मूल और फल के आहार पूर्वक कुछ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्रीहरि के सान्निध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखे। द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पों से उसका पूजन करे। तदनंतर तिल तेल से परिपूर्ण दीपक और ध्रुत सिद्ध पकवान का नैवेद्य अर्पण समर्पित करे। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदित करे। ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करे। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को हस्तगत कर लेता है। मासो व पास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में मास संबंधी व्रत का वर्णन नामक 198वां अध्याय पूरा हुआ।